पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के बहुत से लोगों की शादियां एक मुम्मा हैं। कुछ फनकार अपनी शादी की सोशल मीडिया पर ज्यादा तशहीर नहीं करते, जबकि कुछ की शादी की कहानियां इतनी दिलचस्प होती हैं कि वो खुद ही किसी न किसी तरह मद्दाहों तक पहुंच जाती हैं और यूं लोगों को इनके बारे में पता चलता है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी फनकार ऐसे भी थे जिन्होंने एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर वालों की भी ना सुनी और बस शादी कर ही ली। हीरा मानी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की वो अदाकारा हैं जिन्होंने शादी और फिर दो बेटों की पैदाइश के बाद इंडस्ट्री में कदम रखने का सोचा और फिर सुपर हिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हीरा मानी ने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि इनके शौहर मानी इनके बहुत अच्छी दोस्त के मंगेतर थे, लेकिन वो हीरा को पसंद आ गए। उन्होंने छुपकर अपनी दोस्त के फ़ोन से मानी का नंबर निकाला और उन्हें पैगामात भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। यूं हीरा की दोस्त और मानी की मंगनी टूट गई और बाद अज़ां हीरा ने मानी से शादी कर ली। हीरा के इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी भी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार हैं। इनकी मंगनी डॉक्टर हाला सुमरो नामी लड़की से हुई थी, जबकि जोड़े को सोशल मीडिया पर काफ़ी पजीराई भी मिली। दोनों के लिए मद्दाहों ने ढेर सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया था, लेकिन बाद में ये मंगनी टूट गई जिसने मद्दाहों को बहुत मायूस किया। मरीना खान पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं। इन्होंने माजी में बेशुमार हिट ड्रामा सीरियल्स में काम किया। इसके अलावा मरीना खान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी कर चुकी हैं। मरीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनके वालिदैन इनकी शादी के फैसले से कतन खुश नहीं थे, क्योंकि इनके शौहर का ताल्लुक इनके मजहब से नहीं था। इनके शौहर जलील अख्तर ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। मरीना के मुताबिक ये इनके लिए कोई एतराज़ की बात नहीं थी, इसलिए ये अपने मौके पर डटी रहीं और बिलाखिर जलील अख्तर से ही पसंद की शादी की। सोनिया हुसैन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। इन्होंने जानदार अदाकारी के बायस इंडस्ट्री में बहुत थोड़े वक्त में अपने फन का लोहा मनवाया है। सोनिया का निकाह 10 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के फैशन मॉडल वासिफ मोहम्मद से हुआ। इन दोनों के निकाह की खबर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई, जबकि दोनों की तस्वीर को भी मद्दाहों ने बेहद पसंद किया। लेकिन ये दोनों ज्यादा अरसा एक दूसरे के हमराह ना रह सके और दोनों में रुख्सती से कबल ही तलाक हो गई। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।